मूवी के स्टार्ट में हमें कुछ स्टूडेंट्स दिखाए जाते हैं जो कि अपनी ट्रिप के लिए चर्च कैंप पर जा रहे थे। उन लोगों के साथ वहाँ पर कैंप का डायरेक्टर भी जा रहा था। फिर हमें दिखाया जाता है एक डॉक्टर जिसका नाम होता है डॉक्टर पीटर। डॉक्टर पीटर एक जनरल स्टोर पर जा रहे होते हैं। अभी वो परचेजिंग के लिए उस स्टोर में जा ही रहे होते हैं कि तभी उनके पास से उन स्टूडेंट्स की बस गुजरती है। डॉक्टर पीटर उस बस की पिक्चर बना लेता है। बाद में वो स्टोर के अंदर जाकर स्टोर कीपर को वो पिक दिखाता है और पूछता है कि ये बस कहाँ पर जा रही है। स्टोर कीपर कहता है कि स्कूल्स तो क्लोज्ड हैं, तो ये लोग चर्च कैंप पर जा रहे होंगे। ये सुनकर डॉक्टर के फेस इंप्रेशन बदल जाते हैं, उसके चेहरे पर परेशानी छा जाती है। दूसरी तरफ स्टूडेंट्स का वो ग्रुप कैंप तक पहुंच गया था। उन लोगों को वेलकम करने के लिए वहां पर एक और डायरेक्टर और एक शेफ होते हैं। वो लोग वहां पर असल में एक फेस्टिवल के लिए आए होते हैं। कल से वो फेस्टिवल स्टार्ट हो जाएगा। उन स्टूडेंट्स को अलग अलग करके टीम्स में डिवाइड कर दिया जाता है और उन्हें बाद में काम पर लगा दिया जाता है। ड्राइवर आगे जाकर दो लड़कियों को बस में बिठा लेता है। वो एक काफी वीरान जगह पर बस को पार करता है, तभी वहां पर आ जाता है लंबरजैक मैन, जिसने कार्ट में काफी बड़े बड़े पैनकेक्स रखे हुए थे। उसके पास एक हैचेट भी होती है और वो बस के अंदर चला जाता है। हैचेट से वो दोनों लड़कियों की गर्दन उड़ा देता है। उस ड्राइवर को कुछ सोचने समझने का मौका दिए बगैर ही लंबरजैक एक रोड को उसके सर के आर पार कर देता है। बाद में उसे बस की छत के साथ लगा देता है। हम देखते हैं कि लंबरजैक काफी बड़ा खतरनाक, किसी शैतान से कम नहीं लग रहा था। तीनों डेड बॉडीज के ब्लड को वो अपने पैनकेक्स पर लगा लेता है। फिर हमें एक लड़की फेथ दिखाई जाती है जो कि अपनी फ्रेंड के साथ काम पर लगी हुई थी। दोनों लड़कियों को ऐसा फील होता है कि कोई उन्हें छुपकर देख रहा है। चेक करने के लिए फेथ आगे बढ़ती है। वो देखती है कि वहाँ पर तो उनका क्लास फेलो है जो छुपकर फेथ को देख रहा होता है। फेथ उस लड़की को डरा कर वहाँ से भगा देती है। दो लड़कों को सफाई करने का काम मिला होता है, लेकिन वो अपने काम से खुश नहीं थे। लेकिन वो अपना काम करने पर मजबूर थे और कुछ कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि उन पर नजर रखने के लिए एक लड़का वहाँ पर था। दोनों लड़कों को एक आइडिया आता है। वो उस लड़के को एक स्मोक देते हैं जो उन पर नजर रख रहा था। थोड़ी देर बाद उस लड़के को स्मोक का नशा हो जाता है और वहाँ पड़े वो दो स्टैचूज को वो लड़के ही समझ रहा था, जबकि वो लड़के तो भाग चुके थे और अपने फ्रेंड्स के पास जाने का सोच रहे थे। उस लड़के को इतना ज्यादा नशा हो जाता है कि उसे अपने आस पास की कोई होश नहीं होती कि वहाँ पर क्या हो रहा है। तभी वहाँ पर लंबरजैक मैन आ जाता है। उस लड़के को लंबरजैक में ही कोई लड़की दिखाई दे रही थी। वो लंबरजैक के पास जाता है और उसके बालों को सूंघने लगता है अजीब तरीके से, लेकिन लंबरजैक को उसकी हरकत पसंद नहीं आती। यहाँ पर हमें फर्स्ट टाइम लंबरजैक का फेस दिखाया जाता है जो कि काफी अजीब था और उसकी आईज भी बिल्कुल रेड थी। लंबरजैक उस लड़के को एक हाथ से ही हवा में लटका देता है और दूसरे हाथ से उसका सर ही धड़ से अलग कर देता है और उस लड़के का खून भी वो अपने पैनकेक्स पर फेंकता है। दूसरी तरफ डॉक्टर उस एरिया की हेड पुलिस ऑफिसर लुआन के पास जाता है। डॉक्टर लुआन को बताता है कि बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। वो लुआन को कहता है कि इस पूरे टाउन को खाली करवा दिया जाए, क्योंकि कभी न कभी यहाँ रहने वालों को मौत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि मौत उनके आसपास ही भटक रही थी। उसकी बातें समझकर लुआन सोचती है कि शायद वो मेंटली डिसेबल है, इसीलिए ऐसा कह रहा है। वो अपने असिस्टेंट को कहती है कि इसे यहाँ से बाहर निकाल दो। डॉक्टर लुआन को कुछ पुराने न्यूज़पेपर दिखाता है। वो कहता है कि हर 30 साल बाद इस एरिया में मैसेकर शुरू हो जाता है। अगर वो इस मैसेकर को स्टॉप करना चाहती है तो उसे चाहिए कि वो इस एरिया को खाली करवा दे। लेकिन लुआन उसकी अभी भी किसी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं थी और वो डॉक्टर पीटर को वहाँ से बाहर निकाल देती है। जब पुलिस से भी कोई हेल्प नहीं मिलती तो डॉक्टर उस कैंप की तरफ चला जाता है। फिर वो लड़का जो छुपकर फेथ को देख रहा था, अब वो किसी और लड़कियों को देख रहा था। तभी लंबरजैक एक ट्री काट देता है और वो आकर सीधा उस लड़के के ऊपर गिरता है। उस लड़के का ब्लड भी उसकी पैनकेक्स पर लग जाता है। दूसरी तरफ वो दोनों लड़के जो सफाई करने के काम से भागे थे, वो अपनी फ्रेंड्स के पास आ रहे होते हैं। रास्ते में ही उन दोनों लड़कों को फेथ मिलती है। फेथ खाना खाने जा रही होती है और एक फ्रेंड उसके पीछे चला जाता है, जबकि दूसरा लड़का अपनी बाकी दोनों फीमेल फ्रेंड्स के पास जा रहा होता है। लंबरजैक एक और लड़के को मार डालता है जो कि उसी ग्रुप का था। मारने के बाद वो उस लड़के के सर को उसकी फ्रेंड के आगे फेंक देता है। वो लड़की बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन लंबरजैक उसे भागने का कोई मौका नहीं देता। वो उस लड़की को उल्टे सीधे तरीके से तोड़ मरोड़ने लगता है। उस लड़की की बॉडी को वो टेबल जैसे शेप दे देता है। उसके ऊपर वो अपना पैनकेक रखता है और उसे खाने लगता है, लेकिन लंबरजैक को ये स्टाइल पसंद नहीं आता, इसलिए वो उस लड़की को उठाकर एक ट्री पर दे मारता है, जिससे वो लड़की भी मारी जाती है। जबकि लुआन उन न्यूज़पेपर और डॉक्टर की बातों को सुनकर परेशान हो रही थी, फिर वो डिप्यूटी को टाउन के पुलिस ऑफिसर के पास भेज देती है। डिप्यूटी जाने के बाद लुआन को बाहर किसी की आहट सुनाई देती है। वो अपनी गन लेकर बाहर चेक करने के लिए जाती है, लेकिन बाहर उसे कोई भी नहीं मिलता। जैसे ही वो वापस अंदर जाने लगती है, उसके सामने आ जाता है लंबरजैक, जो लुआन को उठाकर फेंक देता है। लुआन अपनी पूरी गन लंबरजैक पर खाली कर देती है, जिससे लंबरजैक नीचे गिर जाता है और ऐसा फील होता है कि जैसे वो मर चुका हो। लेकिन लुआन यहाँ पर किसी किस्म का रिस्क नहीं लेती। वो एक और गन से उस पर फायरिंग करती है। फिर वो अंदर चली जाती है और पुलिस ऑफिसर को कॉल मिलाती है। तभी लंबरजैक फिर से उठ जाता है। वो लुआन की तरफ एक कुल्हाड़ी
गोली फेंकता है जो सीधा आकर लुआन की कमर में घुस जाती है। लेकिन फिर भी लुआन हिम्मत का मुजाहिरा करती है। लंबर जैक उसकी तरफ बढ़ता जा रहा था। लुआन उसकी तरफ चीजें फेंक कर उसे रोकने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन इतने से लंबर जैक का कुछ भी होने वाला नहीं था। तभी लुआन को वहाँ पर सिरप मिल जाता है। वो सिरप से भरा कप लंबर जैक के ऊपर फेंक देती है। जैसे ही सिरप लंबर जैक के ऊपर गिरता है वो जलने लगता है। लंबर जैक को पेन होती है और वो चिल्लाते हुए वहाँ से भाग जाता है। वहाँ से भाग कर वो कैंप में चला जाता है जहाँ पर वो फ्रेंड्स पार्टी कर रहे होते हैं। बाकी फ्रेंड्स तो वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन एक लड़का लंबर जैक के हाथ लग जाता है और लंबर जैक उसे मार डालता है। दोनों लड़कियाँ जंगल में भाग रही होती हैं कि अचानक एक लड़की का पांव किसी ट्रैप में आ जाता है, जबकि दूसरी फ्रेंड उसकी हेल्प करने की बजाय उसे बचाने की बजाय वहाँ से भाग जाती है। लंबर जैक वहाँ पर आ जाता है और उस लड़की को मार डालता है जिसका पांव ट्रैप में फंस गया था। उसे मारने के बाद उसका खून भी वो अपने पैन केक्स पर डाल लेता है। यहाँ पर हम नोटिस करते हैं कि उसकी पैन केक्स कम होते जा रहे थे। इसका मतलब ये है कि वो सिरप के तौर पर खून उस पर डाल रहा है और उन पैन केक्स को खा रहा है। जो लड़की भाग रही होती है लंबर जैक उसे ज्यादा दूर तक भागने नहीं देता, वो उसे भी पकड़ लेता है। वो अपने बड़े से पैन केक से उस लड़की को इतना मारता है कि उसे क्रश कर देता है। डॉक्टर भी कैंप तक पहुँच चुका था और वो सबको कहता है कि आप यहाँ से चले जाएं, आप लोगों की जान को खतरा हो सकता है। लेकिन कोई भी उसकी बात पर बिलीव करने को तैयार ही नहीं था। तो वो उन लोगों को एक स्टोरी बताता है। एक दिन एक कंपनी का ऑनर अपने शिकार पर जाता है। अचानक उसे किसी टेस्टी चीज की खुशबू आती है। वो उस खुशबू को फॉलो करते हुए एक घर तक चला जाता है। उस घर में एक लंबर जैक रहता था। उस वक्त लंबर जैक अपनी फैमिली के लिए पैनकेक्स बना रहा होता है। लंबर जैक उस आदमी को भी पैनकेक्स खिलाता है। उस आदमी को वो पैनकेक्स बहुत पसंद आते हैं। वो सोचता है कि मैंने आज से पहले इतने टेस्टी पैनकेक्स नहीं खाए। उसे एक आइडिया आता है और साथ में उसे लालच आ जाता है पैसों का। वो लंबर जैक को कुछ पैसों की लालच देता है और कहता है कि मुझे इन पैनकेक्स की रेसिपी बता दो। लेकिन लंबर जैक इसके लिए साफ इनकार कर देता है। वो कहता है कि ये मेरी फैमिली रेसिपी है तो मैं इसे नहीं शेयर कर सकता। ये सुनकर उस आदमी को गुस्सा आ जाता है और वो लंबर जैक का फेस उस सिरप में डबो कर उसे मार डालता है। वो घर की तलाशी लेता है और उसे उन पैनकेक्स की रेसिपी मिल जाती है। वो लालची आदमी उस रेसिपी को यूज करके अपने नाम की एक कंपनी खोलता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बन जाता है। वो पूरी तरह पॉपुलर हो जाता है और रिच भी बन जाता है। लेकिन फिर 30 साल बाद लंबर जैक अपनी कब्र से निकल जाता है, वो भी ट्यूसडे वाले दिन। और जो कोई भी उसके रास्ते में आ रहा था वो उसे मारता ही जा रहा था। और बचपन में डॉक्टर पीटर पर भी उसने अटैक करने की कोशिश की थी, लेकिन डॉक्टर पीटर किसी तरह बच गए थे। डॉक्टर की ये कहानी सुनकर वो उसकी बातों पर बिलीव तो नहीं करते, बल्कि कहते हैं कि वो पागल है। वो लोग डॉक्टर को वहाँ से बाहर निकालते हैं, लेकिन डॉक्टर जाते जाते एक बात कहकर जाता है। वो कहता है कि अगर लंबर जैक ने अपना खाना यानी बचे हुए पैनकेक्स खत्म कर लिए तो वो बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। वो इतना ज्यादा पावरफुल और खतरनाक बन जाएगा कि जिसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ये कहते ही वो डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। वो डॉक्टर कार में बैठकर जा रहा होता है कि तभी उसे रास्ते में लुआन मिल जाती है, जो कि काफी इंजर्ड थी। लुआन की हालत इतनी खराब होती है कि वो कुछ भी बताने के काबिल नहीं थी। उसकी हालत देखकर डॉक्टर फौरन समझ जाता है कि ये लंबर जैक नहीं किया है, इसीलिए वो लुआन को कार में बिठा कर वहाँ से ले जाता है। लुआन सिर्फ एक ही वर्ड बार बार बोल रही थी, वो था सिरप। तभी हमें वहाँ पर पुलिस ऑफिसर दिखाया जाता है। वो पुलिस ऑफिसर देखता है कि वहाँ पर काफी बड़े बड़े पैनकेक्स पड़े हुए हैं, इसीलिए वो उन पैनकेक्स को टेस्ट करने लगता है। लेकिन तभी लंबर जैक वहाँ पर आकर उसे भी मार डालता है और उसके खून से पैनकेक्स को अच्छी तरह से भर देता है। दूसरी तरफ कैंप में भी सब लोग पैनकेक सिखा रहे थे, लेकिन वो सिरप यूज नहीं कर रहे थे। उनका डायरेक्टर एक पैनकेक उठाता है, लेकिन वो पैनकेक नहीं कुछ और ही था और वो चेहरा उनके ही किसी एक फ्रेंड का था। उसे देखकर सब लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और उनकी हालत खराब हो जाती है। इतनी ही देर में वहाँ पर लंबर जैक मैन भी आ जाता है। अब उन लोगों को डॉक्टर की बात पर यकीन आने लगा था। लंबर जैक एक हैचेट उठाकर फेंकता है जो सीधा जाकर उनकी एक फ्रेंड को लगती है और वो मर जाती है। इस सारे सिचुएशन को देखकर उन सबको अब उस डॉक्टर बात पर पूरी तरह बिलीव हो चुका था। वो सब लोग अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन लंबर जैक उन्हें एक एक करके पकड़ रहा था और उन्हें मारता जा रहा था। शेफ और बाकी कुछ फ्रेंड्स खुद को किचन में लॉक कर लेते हैं। वो किसी और की हेल्प करने के लिए दरवाजा खोल भी नहीं रहे थे। किचन के बाहर जितने भी लोग थे लंबर जैक सबको एक एक करके मार डालता है। सबको मार लेने के बाद वो किचन का दरवाजा तोड़ने लगता है। तब वो सब लोग वहाँ से भाग जाते हैं और पीछे के रास्ते से निकलने की कोशिश करते हैं। फेथ और शेफ वहाँ से भागते हैं और एक शेड में आकर छुप जाते हैं। तब उन्हें वहाँ पर किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। वो दोनों हथियार उठा लेते हैं और हमला करने के लिए पूरी तरह तैयार होते हैं। लेकिन वहाँ पर लंबर जैक नहीं बल्कि डॉक्टर पीटर था, जो कि उनकी हेल्प करने के लिए वहाँ पर आया था। डॉक्टर उन्हें बताता है कि लंबर जैक को हम सिरप की मदद से मार सकते हैं। डॉक्टर के इस बात पर वो दोनों हैरान रह जाते हैं कि आखिर कोई सिरप से कैसे मर सकता है। वो देखते हैं कि उनका डायरेक्टर भी वहीं पर छुपा हुआ है, जो कि वहाँ से भाग जाता है। लेकिन लंबर जैक उसे पकड़ लेता है और मार डालता है। वो लोग ये सोच रहे होते हैं कि आखिर वो इतने खतरनाक गोस्ट को एक पैकेट से कैसे मार सकते हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा फिक्र करने वाली बात ये थी
कि कहीं लंबरजक अपना खाना वो पैनकेक्स खत्म ना कर ले, क्योंकि अगर उसने वो पैनकेक्स अपना खाना खत्म कर लिया तो वो तबाही मचा देगा। लेकिन हम देखते हैं कि वो अपने सारे पैनकेक्स खा चुका था और बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुका था। फेथ वहाँ से एक बहुत बड़ा कटर उठाती है और लंबरजक को मारने के लिए आगे बढ़ती है। एक कैबिन तक पहुँचती है और उसके पीछे पीछे वो शेफ भी पहुँच जाता है। वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर कोई भी नहीं है, वो घर बिल्कुल खाली है। लेकिन तभी एक बर्नर ओपन होता है और उसके अंदर से लंबरजक बाहर आ जाता है। उसे वहाँ देखकर वो शेफ फेथ से वो कटर ले लेता है, लेकिन वो उस कटर को स्टार्ट ही नहीं कर पाता। लंबरजक उसे वो कटर स्नैच करके फेंक देता है। लंबरजक उन दोनों को मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर डिप्यूटी आ जाता है। लंबरजक उसे मार डालता है। उसे मारने के बाद वो फेथ पर अटैक करता है और फेथ की दो उंगलियां काट डालता है। तभी वहाँ पर डॉक्टर पीटर भी आ जाते हैं अपने शॉटगन के साथ। वो लंबरजक पर फायरिंग करके उसे नीचे गिरा देता है। वो तीनों सोचते हैं कि शायद लंबरजक मर चुका है और वो वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी एक बार फिर से लंबरजक उड़ जाता है, लेकिन इस बार डॉक्टर गन की बजाय सिरप यूज करने का सोचता है, इसीलिए वो सिरप फेंकने के लिए लंबरजक के पास जाता है। लेकिन डॉक्टर ने पैकेट खोलने में देर कर दी थी। लंबरजक डॉक्टर को मारता है और वो पीछे जाकर गिरता है। अब फेथ वो गन उठाती है और लंबरजक को मारने जाती है और लंबरजक उसे मारकर कैबिन में फेंक देता है। वहाँ पर उसे शेफ का वो सिरप का ड्रम मिल जाता है जो कि गुम हो गया था। लंबरजक डॉक्टर और शेफ को मारने ही वाला होता है कि तभी उसके सामने फेथ आ जाती है। यहाँ पर वो एक बड़ा राज खोलती है। वो कहती है कि मैं तुम्हारे किलर की ग्रैंड डॉटर हूँ। ये सुनकर लंबरजक उन दोनों को तो छोड़ देता है, लेकिन फेथ के पीछे पड़ जाता है। जैसे ही लंबरजक फेथ के पास आता है, वो अपने सिरप वाले हाथों से उसे पकड़ लेती है और तब तक उसे पकड़ कर रखती है जब तक कि वो मर नहीं जाता। लंबरजक को मारने के बाद वो तीनों वहाँ से जाने लगते हैं। तभी अचानक से उस कैबिन में कोई हलचल महसूस होती है। कैबिन ब्लास्ट होने के साथ साथ लंबरजक भी ब्लास्ट होने की वजह से मारा जाता है। वो लोग लुआन को भी अपने साथ ले लेते हैं एंड लिफ्ट लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। वो सब खुश होते हैं कि उन्होंने लंबरजक को मार डाला है। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।